सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, वैसे तो अपने रविवार के दिन जो है लाइव नहीं करते होते, क्योंकि बाजार बंद रहते हैं, जो हाजिर मंडियां होती हैं वो बंद रहती हैं। लेकिन आज कुछ रिपोर्ट थी, क्योंकि काफ़ी साथियों के आज फ़ोन आए थे कि कल जो है नरमे के भाव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि नरमे के अंदर जो है हमें मंदा जो है देखने को मिला था। जी, लाइव हो गया है शायद। जी, शुक्रिया आप सबका, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। वीडियो को आगे बढ़ा दें, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि थोड़े कम लोग जुड़ेंगे। स्टेटस लगाना था पहले, लेकिन थोड़ा बिजी था तो लगा नहीं पाया साथियों। जी, सबको जय किसान जी। सीतु बिश्नोई साहब, सभी जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान जी। आज मेरे ख्याल से विनोद जी भी नहीं जुड़े, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा होगा। जी, शुक्रिया आप सबका। वीडियो को आगे बढ़ा दें, चर्चा करेंगे अपने आज कल कैसे रह सकते हैं भाव जो है नरमे के, सरसों के, ग्वार के, मूंग के, उनके ऊपर साथियों अपने आज चर्चा करेंगे। काफ़ी मौसम भी ठंडा है, काफ़ी मौसम के अंदर चेंज है। बरसात जितनी बताई जा रही थी उतनी नहीं हुई इन दिनों के अंदर। थोड़े और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने फसलों के ऊपर चर्चा करेंगे। जितनी बरसात बताई जा रही थी उतनी जो है बरसात नहीं हुई है साथियों। जय किसान जी आप सभी को, ब्राड साहब, सब जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान जी। जी, तो अपने शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। देखिए, आज ऑफलाइन सरसों के सौदे कुछ हुए हैं, जो सूचना मेरे पास है, कुछ मंडियों के कुछ व्यापारियों से बात हुई है। तो थोड़ी सी आज सरसों के अंदर स्टेबिलिटी कह सकते हो, या फिर मंदा थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ी सी मंदी सरसों के अंदर दर्ज की गई। आज आप मान के चलिए लगभग 30 से 40 रुपए तक की थोड़ी सी मंदी जो है आज देखने को मिली। हालांकि वो ऑफलाइन सौदे थे, उसके अंदर जो है ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है साथियों। बाकी तो जब कल मार्केट खुलेगी तो ज़्यादा पता चलेगा। असल के अंदर सरसों में कोई बड़ा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा साथियों। पाम ऑयल में तेजी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी है। कोई ज़्यादा इसके अंदर गिरावट की या बड़े मंदे की कोई संभावना साथियों नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी तक। तो आज जो ऑफलाइन सौदे हुए हैं उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता साथियों। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, क्योंकि आज रविवार है। आज कम साथियों को पता होता है, क्योंकि अपने रविवार को लाइव नहीं करते, तो काफ़ी और भाइयों तक पहुंच जाए तो ज़्यादा चर्चा सार्थक रहेगी साथियों। तो लगभग आज कोई बड़ी मंदी नहीं है सरसों के अंदर, बड़ी तेजी भी नहीं है, स्टेबिलिटी कह सकते हो। कुछ सौदे हुए हैं जो वो कि 20-30 रुपए जो है सस्ते साथियों हुए हैं। आज मेरे पास कई किसानों के फ़ोन आए, खास करके हरियाणा की साइड से, रेवाड़ी हिसार की साइड से काफ़ी फ़ोन आए। तो वो बोल रहे थे कि जो सरसों के व्यापारी हैं, जो मिलर्स हैं, वो लोग अब घर घर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो लोग घर घर अब फ़ोन कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अब बाजारों के अंदर सरसों की आवक जो कम हुई है, तो व्यापारी लोगों ने घर तक अप्रोच करना चालू कर दिया है, और घर से वो ये कह के सरसों ले रहे हैं कि अगर आपका लैब टेस्ट है या नहीं है, जिसको अपने लैब टेस्टिंग बोलते हैं, जिससे तेल की मात्रा जिससे नापी जाती है, तो उनका ये कहना कि अगर लैब टेस्ट है चाहे नहीं है, हम लोग यहीं घर से सौदा करेंगे, और मार्केट रेट से वो 100 रुपए एक्स्ट्रा सौदा कर रहे हैं। तो ये अच्छा फंडामेंटल एक बनता हुआ नजर आ रहा है सरसों के अंदर, क्योंकि अगर व्यापारी लोग घर तक जो है अप्रोच कर रहे हैं, घर तक पहुंच के जो है जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरसों के अंदर अब मारामारी है सरसों के लिए। सरसों जो है बाजारों के अंदर उपलब्ध नहीं है, आवक सरसों की कम है, तो ये एक अच्छी खबर है। काफी आप मान के चलिए मेरे पास 10 से 12 फोन आए होंगे, तो जिन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि भाई व्यापारी घर पे आ रहे हैं और ये हमें रेट दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, सौदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका क्या विचार है। हालांकि मैंने उनको जो बात यहां बोलता हूं वही बात बोली, अगर कुछ साथी सुन भी रहे हैं, उनमें से 2-3 साथी तो सुन रहे हैं जिनका फोन आए हैं, मैंने उनको यही बोला था कि सौदा आपको अपने विवेक से करना है। लेकिन सरसों के अंदर बड़ा मंदा जो है साथियों नहीं दिखाई दे रहा है। ग्वार पे भी चर्चा करेंगे, पहले सरसों पे चर्चा कर लें। तो बड़ा मंदा जो है सरसों के अंदर साथियों दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी बहुत उथल पुथल तो मैंने पिछले हफ्ते की शुरुआत में बोला था कि होती रहेगी, वही हुआ। 2 दिन भाव डाउन गया, फिर 3-4 दिन भाव बढ़ता रहा, और लास्ट में जाके अच्छी रिकवरी हमें सैटरडे को देखने को मिली। काफ़ी तेजी थी कल के दिन में, तो वो एक अच्छा एक माहौल जो है, एक ट्रेंड अच्छा सेट हो रहा है, पॉजिटिविटी एक आप कह सकते हो कि सरसों के लिए सेट हो रही है। सरसों के अंदर आज बात करें तो 30 से जो साथी लेट जुड़े हैं, 30 से 40 रुपए तक का एक जो प्राइवेट सौदे जो हुए हैं उनके अंदर मंदा देखने को मिला है। काफ़ी मिलर से भी बात हुई, वो उनका भी यही कहना है कि सरसों अब उपलब्ध नहीं है उनके लिए, उनके पास सरसों अभी आ नहीं रही है। तो ओवरऑल सरसों के अंदर साथियों कोई ज़्यादा
परेशानी वाली बात अभी तो नहीं लग रही है। बाकी कल उम्मीद है कि सरसों स्टेबिलिटी में रहेगी, कोई बड़ी तेजी कल सरसों के अंदर देखने को हमें नहीं मिल सकती और ना ही जो है हमें मंदी साथियों देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। काफी कमेंट आज शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्या बात है, शायद किसी वजह से शो नहीं हो पा रहे हैं कमेंट। मैं कोशिश करता हूं दूसरे फोन से रिफ्रेश करने की, काफी सारे कमेंट हैं जो शो नहीं, जी हाँ होने लगे शो, शुक्रिया। काफी कमेंट, कुछ नेटवर्क का शायद इशू है, आवाज सही आ रही है ये बता दें। तो बात करें अगर अपने ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी कल बड़ी तेजी साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ग्वार के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, जो भाव 5,500-5,700 के घरों में घूम रहे थे उसके बाद जो है धीरे 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 भाव बढ़ते बढ़ते अब 6,000 से लेके 6,400-6,300 के बीच में भाव पहुंच गए हैं। लेकिन काफी साथी ग्वार का पूछ रहे हैं, जी बता रहा हूं ग्वार के बारे में, पूनिया जी स्टार साहब बता रहा हूं। तो ग्वार के अंदर कल आपको बड़ी बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, मंदा भी ग्वार के अंदर अभी नहीं है। देखिए ग्वार के बारे में भी काफी सारे साथियों के फोन आते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास जितनी भी जानकारी होती है, जो मेरा YouTube चैनल है किसान राजा हेयर, पूरा दिन अपने फसलों का जो है अपडेट उसके ऊपर करते हैं। किसान राजा हेयर के नाम से आप सर्च मार सकते हैं YouTube के ऊपर, वहां भी सारे साथी जुड़ जाएं, तो पूरी चर्चा अपने जो है वहां करते हैं दिन में, और रात को जो अपने विश्लेषण सारी पूरे दिन का जो विश्लेषण और फसलों के भाव जो है वो यहाँ पे बताते हैं। तो मैं जो बात यहाँ बताऊंगा, मैंने बहुत बार बोला कि मैं बिल्कुल खुली किताब हूँ, जो बात यहाँ बताऊंगा वही बात आपको फोन पे बताऊंगा, चाहे आप 400 लोग जुड़े हो 400 के 400 सुबह फोन करना, मैं यही बात आपको फोन पे बताऊंगा, यही बात यहाँ बताऊंगा। ये नहीं है कि फोन के ऊपर मैं कोई स्पेशल बात बताऊंगा, नहीं, मेरे लिए आप सब बहुत प्रिय हो, तो मैं जो बात फोन पे करूंगा वो यहाँ भी वही बात करूंगा। तो आप अपना जो है समय चाहे ना खराब किया करें साथियों, बहुत सारा प्यार है आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ग्वार के अंदर बड़ी तेजी कल देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर मंदी नहीं है ग्वार के अंदर, ग्वार के भाव आने में समय लग सकता है लेकिन थोड़ा बहुत सुधार ग्वार के अंदर होगा, ऐसा सभी एक्सपर्ट लोगों का मानना है। आज भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका भी मानना था कि हो सकता है कि फरवरी तक कोई 10 फरवरी तक का भी समय लग जाए ग्वार के अंदर सुधार होते होते, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है। बहुत बड़ी तेजी अगर मैं कोई कहे आपको कि 8,000 या 9,000 कोई भाव हो जाएगा, ऐसी तेजी साथियों अभी कहना जल्दबाजी होगा, ऐसी बड़ी तेजी जो है ग्वार के अंदर नहीं है। एक ठीक सा रुख बन सकता है ग्वार के अंदर, बाकी कल सुबह जैसे मार्केट खुलेगी तो आपको मेरे YouTube चैनल किसान राजा है के ऊपर अपने अपडेट कर देंगे साथियों, आपको जो भी कहानी है वो सारी वहां बता दी जाएगी ग्वार के बारे में। मूंग में बड़ी तेजी नहीं है, तेजी नहीं है अगर मैं ये शब्द कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मूंग के अंदर तेजी नहीं है, ज्यो के त्यों भाव बने हुए हैं, पूरा पिछला हफ्ता जो था वो भी भाव वहीं बने हुए थे और अगले हफ्ते के अंदर भी मेरे को लगता नहीं कि मूंग के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी जो है उम्मीद लग रही है तेजी की, ऐसा नहीं लग रहा मेरे को मूंग के अंदर, वही भाव है, क्वालिटी के भाव है मूंग के, जैसी मूंग की क्वालिटी है वैसी भाव मिल रहे हैं। सरकारी खरीद इस बार हुई नहीं है तो उसका जो है फायदा व्यापारी लोग हमेशा से उठाते रहे, जब भी आपकी कोई किसी भी फसल का जो है खरीद जो है अगर MSP के ऊपर नहीं होगी तो फिर उस चीज का फायदा व्यापारी उठाते ही है, यही है मूंग के अंदर की जो है बड़ी कहानी नहीं है साथियों। मंडियों के भाव आज नहीं मिले क्योंकि सारी हाजिर मंडियां बंद थी साथियों। अब अपने चर्चा करते हैं नरमे के ऊपर, नरमे के ऊपर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ज्यादा समय तो खराब नहीं करूंगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ज्यादा समय लग जाए तो उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि नरमे के अंदर लास्ट जो दो दिन थे शुक्रवार और शनिवार लगभग 500 रुपए नरमा जो है मंदा हुआ है। फरवरी वायदा जिसको अपने बोलते हैं 3100 तक लुढ़क गया है, ये एक बड़ी खबर है नरमे के अंदर, एक मंदा नरमे के अंदर दिखाई दिया, क्योंकि 500 रुपए को हमें मंदी बोलना पड़ेगा, 500 रुपए को हम लोग अपडाउन नहीं बोल सकते, 100 से 200 रुपए को आप अपडाउन बोल सकते हो, 250 को बोल सकते हो, लेकिन उससे ऊपर अगर मंदा आता है तो आपको मंदा ही कहना पड़ेगा, और 500 रुपए की मंदी जो है देखने को मिली। हालांकि वीरवार को मैंने शाम को एक इशारा किया था कि इज दिस ए राइट टाइम टू सेल आउट, है ना, कि मैंने पूछा था कि ये ठीक समय है, ठीक माहौल है, 10,000 का भाव था, लेकिन मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग किसान लोग हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें और रेट मिल जाए फसल का और कोई फायदा हो जाए ये किसान भाइयों, और क्योंकि हमारी ये फितरत होती है, तो वहां कुछ साथी चूक गए, 10,000 के अंदर सौदा नहीं किया। खैर ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। कॉटन के अंदर जो MCDEX के अंदर 4% लोअर सर्किट लगा है तो मंदा तो है कॉटन के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं है। अब ये मंदा कब तक रहेगा ये बड़ी चीज है। कल भी नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी साथियों मेरे को दिखाई नहीं दे रही है,
हो सकता है कोई सुस्ती थोड़ा बहुत देखने को हमें मिल जाए, क्योंकि एक एक कहावत है, खैर छोड़िए उस बात को, यानी कि वो कहते होते हैं कि जो माड़ा आदमी होता है उसकी जो बीवी होती है वो सबकी भाभी होती है, वो कहानी हो गई नरमे के अंदर। अब सबकी आंख जो है, सबकी आंख नरमे के ऊपर है। व्यापारी लोग इस लेवल का रोना रो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने आज एक चैनल देखा, हालांकि मैं टीवी देखना थोड़ा कम ही पसंद करता हूं, एक बिजनेस चैनल देखा मैंने, उसके ऊपर चार पांच बड़े जो है व्यापारी थे, मिलर थे जिसके अंदर, और वो लोग लगातार एक ही बात कह रहे थे कि नरमे के भाव ने इस बार मार दिया, व्यापारियों को मार दिया। वो एक बार भी इस बात पे सहमति नहीं दे रहे थे कि नरमे का भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय तेज है। अंतर्राष्ट्रीय तेज है तो भारत में तेजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लगातार एक ही बात की रट लगा रहे थे, एक ही बात की रट लगा रहे थे कि भाई जो है नरमे के भाव को जानबूझकर सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, नरमे के भाव जो सटोरियों के हाथ में चढ़ गया है, यानी कि किसान की जेब में 2 रुपए आते इनको बहुत दिक्कत कर रहे हैं। मैंने आज एक दो मिलर से बात करने की भी कोशिश की, तो उनका भी यही कहना था कि जो है नरमे के अंदर ये सट्टाबाजी हो रही है, नरमे के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा अच्छी तेजी में था, उसी की वजह से जो है नरमा भारत के अंदर भी तेज हुआ है। अब थोड़े से आंकड़ों पे अपने बात करते हैं आज, हालांकि मेरी आदत है मैं ज्यादातर चीजों को देसी तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम सब लोग किसान परिवारों से है, तो मैं अगर ज्यादा आपको आंकड़ों में उलझाऊंगा या ज्यादा इंग्लिश बोल के आपको उलझाऊंगा तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, फिर सही जानकारी जो है आप तक नहीं पहुंचती। आज थोड़ी सी अपने आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। आज मैंने उनकी पूरी स्पीच जो सुनी, जो नरमे के ऊपर जो पूरी कहानी उन्होंने बयान की, जो एक स्क्रिप्ट लिखी लिखाई तैयार, यानी कि प्री प्लान्ड एक स्क्रिप्ट लिख के उन लोगों ने जो पेश की, तस्वीर पेश की, उनका साफ मानना था कि नरमे का जो है भाव सटोरिए बढ़ा रहे हैं, नरमे का भाव बढ़ने का कोई चांस नहीं है। मैं सिरे से खारिज करता हूं उस बात को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस साल नरमे के अंदर 50 से लेकर 52% तेजी आई है, और भारतीय बाजारों के अंदर 68 यानी कि 68% से लेकर 71% की तेजी इस बार नरमे के अंदर आई है। कोई बड़ा फर्क नहीं है, 18% का ही रोना वो रो रहे हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं सोच रहे हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री की अर्थव्यवस्था का और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका दिन रात का फायदा है। अगर छोटी सी एक बात करें तो वहां के किसानों को सालाना 42 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, 42 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है एक किसान को। अगर यहां की बात करें तो जोर मार के मेरे को लगता है सभी तरह की सब्सिडियां मिला के, हालांकि आम किसान को तो सब्सिडी कहां पहुंचती है, लेकिन एक अंदाजा है, एक रिपोर्ट कहती है कि 9 से लेकर 11 हजार रुपए एक किसान को जो है सब्सिडी का फायदा मिल पाता है। तो वो लोग जो है इस चीज को, इस चीज के ऊपर गौर नहीं कर रहे, लेकिन ये जो डिफरेंस है 17 से लेकर 18% का, इसी का रोना लगातार रोए जा रहे हैं, लगातार ये बात सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जो है इसको वायदा से बाहर किया जाए, इसके ऊपर जो है आयात शुल्क है उसको बिल्कुल बंद किया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी इसकी बिल्कुल घटाई जाए। तो वो चीजें इतना मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि इतना बड़ा फर्क नहीं। और मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, नरमे के अंदर जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो लोग अभी तक कामयाब नहीं हुए कन्विंस करने, वित्त मंत्रालय को कन्विंस करने में कि ये जो भाव है ये सट्टे के कारण है, क्योंकि सट्टे के कारण ये भाव नहीं है। नरमे का उत्पादन कम था, आप औसतन मानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रविवार था तो थोड़ा सा एक सर्च किया इसके ऊपर, औसत जो गांठे हैं 330 से लेके 340 लाख गांठ का उत्पादन हुआ है। अब जो मिनिस्ट्री है वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो है जी चुनमुन जी कोई बात नहीं भाई साहब, जो मिनिस्ट्री जो इनका डिपार्टमेंट है, जो कॉटन डिपार्टमेंट है, जो CAI जिसको कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलते हैं अपने, उनका मानना था कि 360 से लेके 370 लाख गांठे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 330 लाख से 340 लाख के ऊपर जो है उत्पादन नरमे का इस बार नहीं हुआ, ये तय बात है। लेकिन वो लोग एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि एक हम ये दिखावा करें वो चैनलों के ऊपर बैठ के, क्योंकि हम लोगों की काफी फितरत है, किसान भाइयों की भी काफी फितरत है कि हम लोग टीवी को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और जो टीवी ने बोल दिया उसको सही मान लेते हैं, लेकिन किसानी के मामले में ऐसा नहीं है। सही जानकारी ये है कि CAI के आंकड़े सही नहीं है, जो 360 लाख से लेकर 370 लाख गांठ का उत्पादन कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से 330 लाख से लेकर 340 लाख की जो गांठे हैं
वही हो सकती हैं। लगभग 31 दिसंबर तक 140 लाख गांठ की आवक हुई थी। अब 31 दिसंबर से लेके आज आप देख लीजिए 23 जनवरी है, आप कितनी गांठें और मान, मैं ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए आप कोई 25-30 लाख गांठ या 50 लाख गांठ और आ गई होंगी। अभी भी 150 लाख गांठ के सौदे होने बाकी हैं। इनके पास माल नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। मिलर्स को जरूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब इनका मन ये बन गया है, ये लोग ये चीज सोच रहे हैं कि क्यों ना नरमे की फसल को जो है जो मतलब कि कम रेटों में खरीद लिया जाए। जैसे हालांकि ये लोग 6500 से खरीद चालू करके बैठे थे मिलर, हालांकि चर्चा लंबी हो जाएगी, माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि आज थोड़ी सी चर्चा लंबी हो जाएगी। 6800 से भाव चालू हुए, तब से खरीद करते करते ये लोग 10000 तक अभी खरीद कर रहे हैं। किसानों ने जिसने 6500 को दे दिया उसने तो 6500 को दे दिया, जो पैनिक हो गए एक बार भाव 9000 से 8000 हुए थे, जिसने 8000 को बेच दिया उसने बेच दिया, उनको तो जो नुकसान होना था हो गया। लेकिन अब जिन किसानों के पास है उनको फायदा ना हो, इस बात पर पूरी इंडस्ट्री का जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है उसका जोर लगा हुआ है। वो पूरा यही चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनके भावों को जो है मैनेज किया जाए, कैसे भी करके जो है इसके अंदर सेटिंग की जाए। 31 दिसंबर तक मैंने जैसे आपको बताया कि 140 लाख गांठ तक की आवक थी, और उसके अंदर आप जोड़ लीजिए इन 23 दिनों में कितनी आवक आप मान सकते हो, कोई 40 लाख गांठ का आप और इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फरवरी वायदा लुढ़का है, 3100 तक लुढ़क गया, कॉटन में 4% लोअर सर्किट लगा, रॉ मटेरियल के भाव अच्छे थे लेकिन खल बिनोड़ा की मांग है वो कमजोर हुई है। अब उसके पीछे व्यापारियों का तर्क आपको बताता हूं, फिर मैं अपने को जो है अपना तर्क बताता हूं जो किसानों का तर्क क्या है। व्यापारियों का तर्क यह है कि खल के अंदर बिनोले के अंदर जो कमजोरी आ रही है, खल जो है उसकी टेल पे कौन बैठा है, किसान बैठा है। यानी कि अंत फंत में अपन लोगों ने नरमा बेच दिया, नरमे के बाद खल बिनोला निकला, खल बनी, वो ये कह रहे हैं कि खल का जो नुकसान है वो किसान को होगा। अब ये छोटी सी सोचने वाली बात है, उनका तर्क ये है कि खल की टेल के ऊपर किसान बैठा है, किसान को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई इसकी जो है भावों के अंदर कंट्रोल किया जाए। यानी कि किसान नरमा बेचेगा, फिर बिनोड़ा निकलेगा, फिर पूरा वो सिस्टम प्रोसेस करके फिर जो है खल बनेगी, फिर किसान खल खरीद के लाएगा, उस चीज की चिंता कर रहे हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक रेपुटेड आदमी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उस चीज की चिंता कर रहा है कि किसान को खड़ महंगी मिलेगी, लेकिन इस बात से दिक्कत है कि किसान का नरमा महंगा क्यों बिक रहा है। अब कितनी विडंबना की बात है ये, मतलब कि कैसे कैसे ये प्लान एक उद्योगपति लेके बैठे हैं, खड़ की चिंता करेंगे लेकिन जो आपके नरमे का आपको भाव मिल रहा है उसकी जो है उनको तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, नरमे के भाव के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है, नरमे के भाव के अंदर बहुत ज्यादा समस्या है, नरमे के भाव को कंट्रोल किया जाना चाहिए। असल के अंदर कहानी ये है कि खल का जो रेट है अभी 2 दिन से भी डाउन है। खल की टेल के ऊपर किसान जरूर बैठा है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि खल लास्ट में यूज हमें करनी है, हमारे पशुओं को खिलाने के लिए करनी है, कोई शक नहीं है। लेकिन खल के बीच में, नरमे और खल के बीच में कमाने वाले कितने लोग बैठे हैं, असल बीमारी वो है, उनके प्रॉफिट की दिक्कत है, ना कि आपकी जेब की दिक्कत है। यह दिक्कत नहीं है कि किसानों को महंगी खड़ मिलेगी, नहीं, बहुत बार यह हुआ है लोगों ने 1000 रुपए खड़ लेके 1900-1920 2000 रुपए 1800-1800 रुपए बोरी बेची है, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत असल यह है कि खड़ और नरमे के बीच का जो एक गैप है, वो जो बीच की कहानी है, वो जो बीच का प्रॉफिट है, वो इनको इस बार जो है कम मिलेगा। असल के अंदर कहानी साथियों ये है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है नरमे के अंदर। हो सकता है कल कोई बड़ी ज्यादा तेजी तो देखने को नहीं मिले हमें, लेकिन कल बाजार खुलने के बाद अपने को जो एक्चुअल रिपोर्ट है नरमे की, किस स्तर पे खुलता है, क्या कहानी बैठती है। अभी का जो मंदा है दो चीजों से मंदा था, एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मंदा था, एक जैसे ही नरमे के भाव 10000 को टच किए तो हाजिर मंडियों के अंदर बाजारों के अंदर आवक का एक अच्छा प्रेशर बना था, काफी आवक हुई थी। अब जैसे जैसे प्रेशर वो हटेगा, कम होगा, देखिए मैंने पहले भी बहुत बार बताया, मैं अब भी आपको बताना चाहता हूं, एक तो आप जितने साथी जुड़े हो सारे साथी YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी जरूर पहुंच जाना, क्योंकि दिन में अपने फसलों की भाव की चर्चा जो है वहां करते हैं, विनोद जी आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये था कि दो चीजें होती हैं, जब भाव घटते हैं या तो फिर किसान पैनिक होता है कि सोचता है यार कहीं और नीचे नहीं चले जाए, और नीचे नहीं चले जाए, जो कि ज्यादातर होता है।
बढ़ते भाव के अंदर किसान, बहुत कम किसान भाई होते हैं जो सौदा कर लेते हैं, घटते भाव के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अभी ये भाव नीचे जाएगा, अपने को सौदा कर लेना चाहिए। अब ये जो 400 से 500 रुपए का एक जो है नुकसान हुआ है नरमे के अंदर प्रति क्विंटल, उसको अगर देखें तो उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 का भाव 3-4 बार देख लिया। अब आम किसान का ये मन है कि नहीं यार मेरे को नरमा 10,000 ही बेचना है, जो लोग रख के बैठे हैं, जो बड़े दिल वाले लोग हैं जो रख के बैठे हैं, उनका कहना यह है कि अपने को सौदा जो है वो वहीं करना है, वहीं अपने को 10,000 के ऊपर ही जो है सौदा करना है। तो एकदम से आवक नहीं बढ़ेगी, ये बात तय है। यही बात खटक रही है व्यापारियों को, आज भी वो बार बार एक ही चीज के ऊपर दबाव दे रहे थे कि नरमे के भाव 10,000 को छू गए, अब किसान नरमा लेके नहीं आएंगे। तो उस बात से साफ इंडिकेट होता है, साफ संदेश मिलता है कि नरमे के अंदर ज्यादा दिन तक ये लोग मंदी नहीं रख सकते, इनको नरमा खरीदना ही पड़ेगा अगर किसान भाई फसल को रोक गए तो। अगर आवक का जो क्रिएट, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग पैनिक हो गए, अगर हम लोग जो है नरमा लेके चले गए, तो हो सकता है फिर कहीं ना कहीं हमें देखने को जो है इसके अंदर जो ये मंदी है ये थोड़े दिन जो है हमें और देखने को मिल जाए। लेकिन बड़ी मंदी साथियों नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है, रिकवरी हो सकती है। जैसे ही कल बाजार खुलेंगे तो जरूर जो है आपको खबर देंगे, जो भी कल को अपने को भाव मिलेंगे, जो लिस्ट मिलेगी जरूर आपको भेज दूंगा साथियों। मिलेंगे कल रात को 8:30 बजे, दिन में आपको बताई दिए यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर लगभग अपने अपडेट करते होते हैं, सारे साथी वहां भी जुड़े। किसान एकता जिंदाबाद।